आज मैं आपको एक ऐसी अनोखी महिला के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी चार टांगे थीं। क्यों, चौंक गए ना? अक्सर लोग जब अपने बारे में किसी को बताते हैं तो वो अपने जीवन से जुड़ी कुछ बातों को सामने रखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई व्यक्ति अपने परिचय में शरीर के अंगों का विवरण दे रहा हो? जैसे, मेरे दो हाथ हैं, एक आंख और दो कान हैं। ये कितना अजीब लगता है, लेकिन कोई ऐसा भी है जिसे ऐसा कहने की जरूरत पड़ती है, और वो है मर्टल कॉर्बन। उसे अपने परिचय में ये कहना पड़ता है कि मेरे दो नहीं बल्कि चार पैर हैं। मर्टल कॉर्बन का जन्म 12 मई 1867 के यूनाइटेड स्टेट के टेनिस में हुआ था। मर्टन को चार पैरों वाली महिला के रूप में जाना जाता था। उनके जन्म ने हर किसी को हैरान कर दिया था। बेहद मासूम और प्यारी मर्टन बाकी लोगों की तरह ही थी, लेकिन एक चीज जो बिल्कुल अलग थी वो थे उनके पैर। जी हाँ, मर्टल के दो नहीं बल्कि चार पैर थे जो मर्टल की कमर के बीच से आते थे। डॉक्टरों के मुताबिक मर्टल के साथ जुड़ी वो दो अलग टांगे उसके जुड़वा बहन की थी जो इस दुनिया में आ नहीं पाई। डॉक्टरों का कहना है कि बाद में जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें से एक के शरीर का तो पूरा आकार बन जाता है, लेकिन दूसरे के कुछ हिस्से पहले वाले बच्चों के साथ जुड़ जाते हैं। कितनी अजीब और विचित्र बात है ना कि आप अपने जन्म के साथ किसी दूसरे के शरीर के अंगों को भी साथ लेकर आए हो। डॉक्टर के अनुसार मर्टल अपने अजन्मी बहन के इन्हीं अंगों को साथ लेकर आई थी। मर्टल अपने अजन्मी बहनों के अंगों पर काबू तो पा सकती थी, लेकिन चलते समय उनका उपयोग करना उसके लिए काफी चुनौती पूर्वक था। ये भी कहा गया था कि उन दो टांगों से जुड़े पैरों में केवल तीन तीन उंगलियां ही थी। मर्टल की इस विचित्र बात ने उसे दुनिया भर में मशहूर भी बनाया था। जब वो केवल 13 साल की थी तब उसके जीवन में एक जीवनी लिखी गई, बायोग्राफी ऑफ मर्टल कॉर्बन। वो अपने अतिरिक्त शरीर को मैचिंग मोजे और जूते से सजाती थी जो उसे बहुत ही सुंदर लगते थे। मर्टल की एक बहन और भी थी जिसका नाम विली था। उसकी शादी सन 1885 में लॉक वाइन नाम के लड़के से हुई थी। लॉक का एक भाई डॉक्टर जेम्स था जिसने अपनी बहन की शादी के तुरंत बाद मर्टल से शादी का प्रस्ताव रखा। 19 साल की उम्र में मर्टल ने जेम्स क्विंटन नाम के एक डॉक्टर से शादी की। मर्टल और क्विंटन की यह शादी सच्चे प्रेम को दर्शाती है। इसके साथ ही एक बात और ध्यान देने वाली है कि मर्टल की एक नहीं बल्कि दो योनियां थीं। बताया गया है कि उसके तीन में से दो बच्चे एक योनि से पैदा हुए थे और बाकी दूसरी योनि से। अब ये तथ्य सच है या नहीं इसका तो नहीं पता, लेकिन साइंस के रूप से देखा जाए तो ऐसा होना असंभव माना गया है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।